ये लीजिए, ये महाराज ने आपके लिए भेजा है, सबके लिए एक एक। शुक्रिया महाराज। ये हमारा न्योता है सभी गुरुकुलों के लिए। उनसे कहिए कि इस पर मोहर लगाकर इसे तुरंत वापस भेजें। अगले महीने मैं मार्शल आर्ट के सम्मेलन में रहूंगा, नए धुरंधरों के इंतजार में। जरूर, जैसा आप कहे। तुम लोग अपने हुनर से पूरी दुनिया को दिखा दो। मैं उन विद्यार्थियों से दोस्ती करूंगा और जो भी मार्शल आर्ट के सिकंदर का खिताब जीतेगा उसे मैं अपने महल में बुलाऊंगा और उसके साथ दावत के मजे लूंगा। कोंग डोंग से एक खत आया है गुरुजी। कौन हो तुम लोग? तुम्हें पता भी है किसका रास्ता रोक रहे हो तुम? ये नायकों के निमंत्रण है राजकुमार की तरफ से। तुम्हारी महाराज की जय हो। यहां से जाओ। जी। निमंत्रण पत्र। पता है आजकल राजकुमार की भूख बढ़ती ही जा रही है। अगर मार्शल आर्ट्स के मास्टर उसके साथ वफादार रहे तो सारे राजकुमार के शरण में आ जाएंगे और सब कुछ उन्हीं के हाथ में होगा। इसमें आपकी क्या राय है महाराज? उसे एक कुंग फू मास्टर चाहिए ना, तो उसकी ख्वाहिश हम जरूर पूरी करेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक मार्शल आर्ट के कौशल, प्रतिष्ठा और गुणों के मामले में सबसे ऊपर हैं कानून विभाग के अधिकारी मिस्टर लिंग्यू, दक्षिण का महान योद्धा जैंग मिंगबेई और कौनडोन गुरुकुल का मास्टर टैंग विंग। मैं सोच रहा हूं आप किस योद्धा को चुनेंगे? लॉर्ड लिंगू तो बहुत ही प्रतिष्ठित और ताकतवर योद्धा है। उनका कुनलुन गुरुकुल हमारे राज्य में अव्वल स्थान पर है, क्या तुम्हें यह बात पता है? पर दुर्भाग्य से वो गलत रास्ते पर है। महाराज चाहते हैं कि इस साल का मार्शल आर्ट्स का सम्मेलन आपके रहस्यमयी भवन में हो। बस इतनी सी बात, महाराज और मैं बरसों से साथ हैं। महाराज से जाकर कह दो कि गुरुकुल आपकी पूरी सहायता करेगा और आपको निराश नहीं होने देगा। और महाराज का कोई संदेश है क्या? नहीं, ये एक दोस्ती का पैगाम है। ओहो, महाराज को दोस्ती के नाते लगता है कि आप मार्शल आर्ट समूह के नेता बनने के काबिल हैं। ठीक है, तो मैं अलविदा चाहता हूँ। जहां तक मुझे पता है दक्षिण के योद्धा कौनडोन इलाके के मास्टर के बराबर हैं, लेकिन वो अकेला रहना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको किसे चुनना चाहिए। तो क्यों ना हम किसी पर दाव लगाए जो बहुत ही ताकतवर है? मैं नहीं जानता। है, ये लीजिए आपका ऑर्डर सर। है, शुक्रिया सर। ए, मेरे लिए एक शराब बोतल लेकर आओ। आप आ गए सर, यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठिए। चलो चलो चलो।
चलो यहाँ से उठ जाओ, अगर अपनी जान प्यारी है तो फूटो। ए, चलो उठो। इतनी हिम्मत है तो जाओ जाकर महाराज भवन में लड़ो, यहाँ कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हो है? अगर मैं मार्शल आर्ट का मास्टर बन गया तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस काबिल हूँ। लॉर्ड लिंगू दक्षिण इलाके के योद्धा और दांग वीयू, ये लोग अब तक चुप है, तो तुम कौन होते हो इतनी बकवास करने वाले? अरे हम यहाँ पीने पिलाने आए हैं यार, झगड़ा करने की क्या जरूरत है? तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ, जाओ जाओ बैठो। सुनिए सुनिए सर, रुकिए। क्या हुआ भाई? मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पैसे भर दिए गए हैं। क्या क्या बात कर रहे हो? ये लीजिए। कौन है वो अनेक दिल? उन्होंने तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या कहा तुमने? सुन लिया? क्या तुमने सुना रहस्यमय भवन में मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता होने वाली है? जी हाँ मैंने सुना है, तो क्या? तो तुम्हें उसमें हिस्सा लेना चाहिए, ये सदियों में एक बार होने वाली प्रतियोगिता है, चलोगे मेरे साथ? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रहस्यमय भवन लुयांग में है, सुना है वहाँ खाना अच्छा मिलता है। ऐसा क्या? तब तो तुम जरूर खाना। बाय बाय। मैंने राजकुमार से वादा किया है कि इस सम्मेलन में मेहमान नवाजी हम करेंगे। कुंगफू के सारे बड़े गुरुकुल इस सम्मेलन में शामिल होंगे। ये जिम्मेदारी भरा कार्य है, तो इसे अच्छे से संभाला जाए। तो इस भव्य आयोजन की जिम्मेदारी मैं तुम में से किसी एक पर सौंपूंगा। महाराज काफी सालों से बड़े गुरुजी महाराज भवन में आपकी हर एक काम में मदद करते आए हैं, तो हमें लगता है गुरुजी सम्मेलन की जिम्मेदारी इन्हीं को दी जाए, ये हमारी गुजारिश है। अरे ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ मुझे भी नहीं। सब शांत हो जाओ, ये गुरुजी का निर्णय है। अगर मैं इसे जिम्मेदारी सौंप दूं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन ये काई अब बच्चा नहीं रहा, इस बार उसे अनुभव करने दीजिए, वो तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा, यही सही रहेगा। इतना महत्वपूर्ण काम ये कैसे कर सकते हैं? गुरुजी के पास अनुभव है। शिफु काई। जी गुरुजी। इस बार सम्मेलन का पूरा आयोजन तुम्हारी निगरानी में होगा, समझिए ना तुम? जी। कल मैं और महाराज वुलोंग शहर जाएंगे जांग मिंगबेई से मिलने, अपने आदमियों को लाओ और खतरे के लिए तैयार रहो, टैंग व्यूंग पर नजर रखना। अगर जांग मिंगबेई महाराज के साथ सहयोग करता है तो हमारी योजना के अनुसार टैंग व्यूंग को मार देना और उसके इलाके को भी खत्म कर देना। अगर जैंग सहयोग नहीं करता तो हम लोग उसे। समझ गया मैं। लीजिए। मिस्टर जान, क्या मैं पूछ सकता हूँ आपकी क्या राय है महाराज चैंग की सोच पर? जनरल यूंग, चाय कैसी है? इसकी खुशबू तो अच्छी है लेकिन इसका स्वाद कड़वा और फीका है। मानना पड़ेगा पसंद अच्छी है आपकी। मैं पहाड़ों में कई सालों तक रहा हूं, जिसकी वजह से मैं बाहरी दुनिया से कटा रहा, इसीलिए मेरा स्वाद भी लगता है कड़वा हो गया। अब मुझे और कुछ पसंद ही नहीं आता है, यही कड़वाहट जिंदगी बन गई है। महाराज आप नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, मुझे शायद उसका स्वाद पसंद नहीं आया। ये मेरी गलती है, मैं आपकी खातिरदारी नहीं कर पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं समझ गया तुम्हारा कहना। उस दौर को याद करो जब दक्षिणी इलाके के काफी जाने माने योद्धा सिर्फ अपनी बातों से दुश्मनों को ढेर कर देते थे, और अब आप पीछे हटने का सोच रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है तुम्हारी ये बात सुन के।
हर इंसान का अपना नजरिया है, चीजों के लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तब मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगा, चलता हूं। पिताजी, कौन था वो? आपके दोस्त थे क्या? हाँ कह सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब एक दूसरे से मिल पाएंगे कभी। चलो अंदर चले। ओ पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी, ये उस चाय की वजह से। गलत है। जनरल यांग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। फिलहाल जैंग के शरीर में पूरी तरह जहर फैल चुका होगा। मैं उनका सम्मान करता हूं पर अफसोस करता हूं कि वो मेरा साथ नहीं देंगे, मुझे उन्हें मारना ही होगा। महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने हाफ ऐसे कह दिया कि वो कांगडोन को बता दे कि हम लोग आ रहे हैं। टांग वुइंग, आशा करता हूं मुझे निराश नहीं करोगे। सुना है गुरु लिंगो बूढ़े हो रहे हैं, उनके सारे योद्धा और शिष्य मामूली दर्जे के हैं। दक्षिणी इलाके के महान योद्धा हमेशा अकेले लड़े हैं बिना किसी मदद के। इस लंबी दौड़ में वो कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, पर मुझे लगता है और सुनने में भी आया है कांगडोन गुरुकुल की ताकत इस दुनिया में बढ़ती जा रही है। मेरी राय में तांग उन दोनों से कम नहीं है। उन दोनों के साथ लड़ना चाहता हूं। इस सम्मेलन में मार्शल आर्ट के सिकंदर चुनाव का अवसर है, मैंने सही कहा ना? अगर कांगडोन ने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी पूरी तरीके से सहायता करूंगा गठबंधन के सिंहासन पर चढ़ाने के लिए। उसके बाद दुनिया के सारे महान योद्धा निश्चित रूप से एक होकर जवाब देंगे। तुम पूरी दुनिया में सबसे महान हो, सबसे बड़े योद्धा हो। महाराज, दुनिया का महान योद्धा बनना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे पास आसान बनाने वाले रास्ते हो तो? क्या मतलब है आपका महाराज? मेरे पास पहले से ही एक योजना है मास्टर तांग, अब तुम्हारी क्या सोच है इस पर, बता सकते हो? महाराज, मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। आपके निर्णय प्रभावशाली होते हैं, फिर भी आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। बताइए कौन सी शर्त है महाराज? मुखिया चुने जाने के बाद तुम्हें राजकुमार के साथ दावत मिलेगी। मैं चाहता हूं उसे मार दो। आप सभी लोग निकल जाओ, याद रहे कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी। अरे ये कौन आ गया? अरे बचो, अरे भागो। Ah!
पिताजी चला महाराज। इस रात के बाद जान मेंगबाई और उसका आलिशान महल गायब हो जाना चाहिए और वो भी इस दुनिया से। सब कुछ हमारे काबू में है महाराज। हमें एक और चाल चलनी होगी। मैं समझ गया। हम जल्द से जल्द खुफिया भवन के लिए निकलते हैं। वहां कोई है जिसका इस्तेमाल पिताजी खोलिए। दरवाजा खोलिए पिताजी। इस बार महाराज ने इधर सम्मेलन का पूरा अधिकार ये काई को दे दिया है। क्या ये बात सच है? महाराज आपकी तारीफ नहीं करते बड़े भाई। बिल्कुल सही। क्या कर सकता है ये काई? वो सिर्फ 3 साल से ही है महाराज भवन में। उसने खास कुछ नहीं किया है। कुनलुन सेक्टर में तुमने काफी अच्छा काम किया है और ये हम सबको पता है। तुम और मैं दोनों जानते हैं, लेकिन महाराज इस बात से अनजान है। महाराज सिर्फ ये काई के बारे में सोचते हैं और तुम्हें नजरअंदाज करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या महाराज सभापति का पद ये काई को देना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं इसका विरोध करूंगा। बकवास बंद करो अपनी। मेरे लिए वो पूर्व धारणा से ग्रसित हैं, लेकिन इस बार मुझे बहुत बुरा लगा है। अगर तुम काबिल नहीं हो तो दूसरों को दोष मत दो। एक आम आदमी से लेन देन किया जा सकता है, लेकिन एक शराबी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। मुझे डर है कि तुम मजाक ना बन जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मरना है क्या तुम्हें? कुनलुन स्कूल की मार्शल आर्ट इससे बेहतर नहीं है। मार डालूंगा। आ जाओ। मारना चाहिए हो? रुकिए। हाँ फिर मैंने तुम्हें इनका स्वागत करने बोला था ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैं अपना आपा खो बैठा था राजकुमार चैंग। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। जाओ यहाँ से। जी। जो मेरे आदमी ने किया उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। राजकुमार चैंग जिन्हें 8 साल पहले निकाल दिया था, कैसे मानूं कि आप राजकुमार चैंग ही हैं? उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। तब फिर किससे पड़ता है? मार्शल आर्ट्स का सिकंदर बनना तुम्हारे लिए जरूरी है। ऐसा है, इसीलिए राजकुमार ने मुझे यहां इतनी दूर तक लाने की जहमत उठाई। योद्धा यान तलवार के साथ साथ आपकी जुबान भी तेज है, जानकर अच्छा लगा। आप मेरे इरादे जान गए हैं तो मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। यही बेहतर होगा। आपको मार्शल आर्ट्स की दुनिया का सिकंदर बनना है तो रास्ता एकदम साफ है, लेकिन मुझे नहीं पता आप इस रास्ते पर चल पाएंगे।
लेकिन वो रास्ता है क्या? ये दवाई लिंगू की सारी कलाबाजी को नष्ट कर देगा। एक बार वो अपाहिज हो गया तो तुम कुनलुन इलाके के मुखिया बन जाओगे और फिर मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स गठबंधन का चुनाव जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा और भविष्य में तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बन जाओगे और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपकी सहायता करने से आप कुंगफू जगत के बादशाह कहलाओगे। मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। उसके बाद दुनिया में हम अपनी ताकत से जो चाहे वो कर सकते हैं और लोगों को अपनी ताकत से अपनी उंगलियों पर जैसा हम चाहे वैसा नचा सकते हैं। तुम बहुत चालाक इंसान हो यान। एक ही जिंदगी है। जोखिम उठाओगे तो अच्छे दिन देख पाओगे और ये ही सत्य है। इस रास्ते पर चलना है या नहीं वो मैं अब तुम पर छोड़ता हूं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। योथा यान, तुम काफी समझदार हो। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ऐसा सुनने में आया है कि सालों पहले का दुश्मन वूलोंग इलाके में आया था और उसने 20 लोगों को मार दिया। एक ही रात में सब साफ कर दिया। कितना भयानक है ना। अब मुझे बताओ, दक्षिण इलाके का योद्धा एक महान मार्शल आर्टिस्ट है, उसे इतनी आसानी से कैसे कोई हरा सकता है? शेर को सवा शेर होना ही पड़ता है। मार्शल आर्ट की दुनिया काफी पेचीदा है। सुनकर बुरा लगा कि वहाँ की जवान महारानी को भी मार डाला। मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत खूबसूरत औरत थी। अगर ऐसी बात है तो मार्शल आर्ट्स के गठबंधन का मुखिया तो लॉर्ड लिंगू ही होगा। तुम प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहे तो यहाँ क्यों आए हो? तुम कितनी पकाऊ हो ना, जहाँ जाता हूँ वहाँ चली आती हो। तुम कितने अजीब हो। मैं यहाँ प्रतियोगिता के लिए आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। अब मेरा पीछा मत करो। पीछा कौन कर रहा है, ये रोड क्या तुम्हारी है? तुमसे डर लगता है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं गुप्त तलवार के महल में जा रहा हूँ। क्या प्रतियोगिता के लिए? मैं वहाँ पे अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त से मिलने? कुल्लू इलाके में अब भी तुम्हारे दोस्त है? कौन है वो? क्या वो लॉर्ड लिंगू को जानता है? हाँ, क्या तुम्हारा दोस्त उन्हें जानता है? अंदर चलिए मोहतरमा। तो लॉर्ड लिंगू तुम्हारे दोस्त है? महाराज, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई मुझे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ये लड़की तुम्हारी बीवी है? नहीं नहीं महाराज, ये मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं है। ये तो क्या कह रहे हो? अंदर आइए। हाँ ठीक है। लियो, ये क्या कर रही हो? परेशान मत करो। अरे ये कौन आ गई? हाँ, मैं आपको सालों से मानती हूँ लॉर्ड लिंगू। ऐसा कहा जाता है कि कुंडलू की तलवारबाजी पूरी दुनिया में अव्वल है। क्या आप मेरे साथ एक मुकाबला करेंगे? अब ओवर एक्टिंग बंद करो। तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें हराने के लिए सिर्फ 3 मूव की जरूरत है। बहुत खूब, औरतें मर्दों से नहीं डरती, ये सुनकर अच्छा लगा। कुंफू सिखाइए। बहुत बढ़िया, आपके साथ लड़कर अच्छा लगा लॉर्ड लिंगू। मुकाबले के बाद भूख लगी है। हाँ, चलो अंदर फिर खाना खाते हैं। पहले आप। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या?
तुम्हें तो मैं गुप्त तलवार महल बिल्कुल अपने नाम के जैसा ही है और महाराज लिंगू का पाइप वो भी एकदम वैसा ही है। यहाँ के नाम एक जाम। ये यहाँ की सबसे अच्छी शराब है, पीकर बताओ तुम्हें कैसी लगी। क्या हुआ, तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तो बस आपसे सीखना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कमजोर हो गया हूं। उस दिन ल्यू फेचुन से लड़ाई के वक्त मैंने साफ साफ देखा कि आपके शरीर में अब पहले जैसी ताकत बिल्कुल भी नहीं रही है। वो आसानी से 5 मूव में जीत जाती आपसे। तुम एक वैद्य हो, मुझे तुम पर यकीन है, मेरा इलाज करो। ये बताइए कि आखिरी बार कब बीमार पड़े थे आप? लगभग 3 दिनों से मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मार्शल आर्ट्स के गुरुओं का सम्मेलन होने वाला है। इस राज्य के सभी गुरुकुलों को निमंत्रण पहुंच चुका है, पर दक्षिण इलाके के योद्धा का परिवार मारा जा चुका है, इसीलिए किसी को नहीं बताया। ये बात हमारे और आपके बीच में रहेगी। महाराज लिंगो, आपको जहर दिया गया है। उसने हम दोनों को देखा। मुझे यकीन नहीं होता हमने जान फेयू को यहां से जाने दिया। महाराज चिंता मत कीजिए, मैंने मेरे आदमी उसको खोजने के लिए भेजे हैं, हम उसे पकड़ लेंगे हर हाल में। मास्टर टैंग, हमारी योजना जान फेयू की वजह से नाकाम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? महाराज आपको जो जहर दिया गया है उससे आप अपाहिज हो जाएंगे। इस जहर का ना कोई स्वाद है ना कोई रंग, जो दुनिया से बहुत पहले ही गायब हो चुका था। आम इंसानों पे इसका कोई असर नहीं, लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके लिए ये बर्बादी है, क्योंकि ये सीधे अंदरूनी अंगों पे काम करता है, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता कम होती है और आप धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। मैंने बहुत तरह के जहर देखे हैं। ये जहर बहुत आसानी से किसी को नहीं मिल सकता। किसी महल में तो इस जहर का इस्तेमाल होता है, शाही लोगों से संबंध हो सकता है। चोंगजियो, क्या इस जहर का कोई उपचार है? इस जहर के लिए मैं कहूंगा कोई उपचार नहीं है। लगता है कि मैं मरने वाला हूं। क्या आपने उस फूल का नाम सुना है जिसे नव सतरंगी कमल कहते हैं? नव सतरंगी कमल? नव सतरंगी कमल जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। ये 3 साल में एक बार खिलता है 3 सालों के लिए। इसमें 9 फूल होते हैं। इनकी पत्तियां किसी भी जहर का असर उतार सकती हैं। जैसे इसे उगाया जाता है वो तरीका भी काफी अलग है। इसे उगाने के लिए एक अविवाहित महिला का खून चाहिए। बहुत अजीब तरीका है। ये फूल कहाँ मिलेगा हमें? पहाड़ी प्रदेश में। पहाड़ी प्रदेश में? पर इसे अफवाह भी माना जाता है। पहाड़ी प्रदेश महिलाओं का प्रदेश है,
वहां की मुखिया युंगपिंग मुझे जानती हैं, जो कि भूत है। अभी तक हम में से किसी ने उनका असली चेहरा नहीं देखा। आखिरी बार ये फूल 3 साल पहले खिला था। महाराज लिंगू, हमें अभी निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। लेकिन तुम महाराज, राजकुमार ने बुलावा भेजा है, वो मार्शल आर्ट प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं। पहले शाही परिवार के साथ ऐसा हुआ और अभी जहर आपको दिया गया ताकि आपका कुंफू खराब हो जाए। क्या आपको लगता है कि ये एक संयोग भर है? आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं सब संभाल लूंगा। वैसे आपको कुछ अंदाजा है कि आपको ये जहर किसने दिया है? मेरे खाने पीने का तो सब येकाई देखता है, मेरा दूसरा शिष्य। येकाई? कौन? महाराज, मैंने आपको जहर नहीं दिया, मैं आपके खाने पीने का ध्यान रखता हूँ, तो इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपका शिष्य होने के नाते मैंने नाम खराब किया। नहीं, उठ जाओ महाराज। आपको जहर देने की बात बाहर जाने नहीं दूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, ये मेरी बेगुनाही का सबूत। नहीं। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो बता सकते हो तुम खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? लियो फेचुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं गुजर रही थी तो मैंने बातें सुनी। अच्छा, तो आज रात हम सभी लोग फैल जाएंगे। जो इंसान यहाँ आकर महाराज लिंगू को जहर दे सकता है वो यहाँ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे मत देखो, मैं यहाँ सीखने नहीं आई हूँ। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, तुम यहाँ इनकी रक्षा करोगी। मैं? हाँ, तुम्हें नहीं रहना? रहना है, मास्टर से कुंफू सीखना मेरा सपना है। पहले मास्टर की रक्षा करो, उसके बाद उनसे कुंफू सीख लेना तुम। ये काई, तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही करते रहो और इंसान को ढूंढने में मदद करो। ध्यान रहे दुश्मन को इसके बारे में पता ना चलने पाए। समझ गया। खुदकुशी मत करो, मैं मदद करूंगी। कमाल है, मैं हमेशा महाराज का खाना पहले खाता हूँ। अगर कुछ भी जहरीला रहा अब इसका कोई फायदा नहीं। जहर दिया क्या यान? तुमने अभी अभी कहा कि तुमने जहर दिया, चल क्या रहा है आखिर? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बकवास कर रहा था। ये काय, मुझे लगता है तुम मुझे अब अपना बड़ा भाई बिल्कुल नहीं समझते हो। यान, मैं देखो, अगर तुम नहीं बोलना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन अगर उनको कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगा बिल्कुल नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। यान, क्या ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? परेशान मत हो यान, चोंगजू एक काबिल वैद्य है, उसने कहा कि महाराज की हालत खराब है, अब वो गए हैं महाराज की दवाई ढूंढने के लिए। उस जहर की दवाई है, लेकिन अभी मेरे पास भरोसा रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी, किसी को उसका पता ना चले, समझे? अपने गुरु का दिल रखने के लिए हम ऐसे दिखाएंगे जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। ये काय, अब तुम्हें उनकी रक्षा और अच्छे से करनी होगी, तुम पे भरोसा कर सकते हैं ना? चिंता मत कीजिए यान, मैं आपको निराश नहीं करूंगा।
बस थोड़ी ही दूर। हमारी मदद करो। ए, नीचे बैठो, नीचे बैठो। हम लोग हमला नहीं कर रहे हैं, नीचे बैठो, नीचे बैठो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम बैठो। हम लोग यहाँ किसी को ढूंढने आए हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, मगर तुम लोगों को अच्छे से बर्ताव करना होगा, नहीं तो मेरी तलवार तुमसे पूछेगी। एक एक को देखो, अच्छे से तलाशी लो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। कोई विरोध करे तो मार देना उसे। मुझे मार देंगे। ए, नीचे झुका। ए, आदो पर उठा, तू मुंह दिखाओ। मुंह दिखाओ। ए, अपना मुंह दिखाओ। हमें बख्श दो, चेहरा उठाओ अपना। छोड़ दो हमें। क्या हो गया? ये कौन है? मेरी पत्नी है। ए, इसको चेचक निकली है, उसका चेहरा गंदा हो गया है और बदबू भी आ रही है। कहीं तुम्हें ये छूट ना लग जाए दोस्त, ना देखो तो बेहतर है। जा जाओ। शुक्रिया, चलो। ध्यान से देखो। मोहतरमा, आप सुरक्षित हैं, चलता हूं मैं। ये कौन सी दवाई थी जो तुमने मुझे दी? इससे आपके शरीर में से बदबू आने लगेगी, और कुछ नहीं, अब खत्म भी हो गई। आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं? मुझे किसी लफड़े में नहीं फंसना है, बहुत सारे जरूरी काम हैं, मेरा पीछा करना खतरनाक हो सकता है। अब जाओ। भूख लगी है। ठीक है, खाने के लिए कुछ देता हूं। बैठ जाओ। ये लो, लो ना, भूख लगी है तो खाती क्यों नहीं? अरे इधर आओ, देखो गुफा है, आज रात यहां बिता सकते हैं। इधर
मास्टर आप उठ गए। कब से सोया हूं मैं? ज्यादा नहीं। मैं अब नहीं उठ सकता, लगता है मैं अपाहिज हो गया। ऐसी बातें मत कीजिए, चोंगजू पे भरोसा रखिए, वो इलाज के लिए कमल के फूल जरूर ढूंढ लाएगा। आपको भूख लगी है? मैं कुछ लाती हूँ। नहीं। आपको भूख नहीं है, क्या चाहिए आपको? बांसुरी। मुझे मेरी बांसुरी चाहिए, उसने मेरा साथ दिया। सुनो मिसलियो, मेरी वो बांसुरी ले आओ, मुझे उसे देखना है। हाँ, कहाँ है वो? दिखाने में। हाँ। क्या कर रही हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे डरा दिया। ये तहखाने में, यूं ही कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता। अंदर गुरुओं का खजाना है। खजाना? बांसुरी? तुम्हें कैसे पता? क्या महाराज ने तुम्हें लाने को कहा? पर ये बांसुरी खजाना कैसे होगी? ये कोई मामूली बांसुरी नहीं है, दरअसल वो महाराज का एक अनोखा अस्त्र है। उसके अंदर तलवार छुपी है, वो दोनों तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। ओ, अच्छा, मुझे चाबी दो। इस कमरे की चाबी यान के पास होती है, तो तुम्हें यान से चाबी लेनी होगी। यान कहाँ पर है? चलो मैं लेकर जाता हूँ। क्या कहा? महाराज को जहर देने वाला पकड़ा गया, उनको पता चल गया। येन शिसेन के हिसाब से लॉन्ग चिंगजू खुफिया भवन से उसी रात दवा ढूंढने के लिए निकल गए। कहा जाता है कि लॉन्ग चोंगजू दवाओं में माहिर है। अभी अभी मेरे जासूस ने बताया कि वो किसी वैद्य से भी मिले हैं, वो भी जानफे को ढूंढते वक्त। तो क्या वो हो सकता है? और वो तुम्हें कहां मिला? पहाड़ी प्रदेश के पास। पहाड़ी प्रदेश में? हो सकता है। कहां जा रहा है वो? पहाड़ी प्रदेश में? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ कारण होता है। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो सो जाओ आकर के। बदमाश लड़की, घोड़ा चुरा लिया। महाराज टैंग, हमारी सेना दो हिस्सों में जाएगी। आप अपनी सेना लेकर पहाड़ी प्रदेश से जाओ। लॉन्ग चिंगजू के आने से पहले सतरंगी कमल तबाह होना चाहिए। बाकी सब लोग मेरे साथ चलो जैन फ्यू को ढूंढने। जी। जैन फेयू, मैंने पिछली बार तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन इस बार नहीं बचोगी। ओ,
कहा था ना अकेले बाहर जाओगी तो फंस जाओगी। चलो तुझे भाग चाहिए, भाग चाहिए, भाग चाहिए, तुझे भाग चाहिए। अरे यार, अरे मैं हूं, मैं हूं। बड़ी खतरनाक लड़की है। तुम्हारी ये दिशा बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। दिन रात सो रही थी तुम फिलहाल। ये नहीं देने वाला मैं, पता नहीं दुश्मन समझ के कब मार दूं मुझे। कमाल है, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है। तुमने मेरी चोट कैसे ठीक की? तुम्हारी चोट कोई आम चोट नहीं है, इनको भरने में समय लगेगा, शायद 1 या 1.5 साल। चोट लगने से शायद तुम ना मरो, लेकिन दर्द से जरूर मर जाओगी, इसलिए खास जड़ी बूटी दी है। खास जड़ी बूटी? इस जड़ी बूटी को बनाने के लिए मकड़ी का खास जहर, दूब की घास और एक खास जंगली फूल का बखूबी इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों का दर्द कम हो जाता है और उनको कुंगफू करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। लेकिन दिक्कत ये है, अगर कोई इस दवा को लेकर के लड़ाई करता है तो उसकी जिंदगी कम हो जाती है और धीरे धीरे वो शारीरिक थकावट से मर जाता है। मिस जैन, मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछता हूं। आपका नाम ज़ियान फेयू है, महान योद्धा ज़ियान मंगबल आपके पिताजी हैं, ये सही है ना? उन हथियारों से जब मैं लड़ रहा था तो पता चला वो कोंगडोंग से हैं। लेकिन कोंगडोंग के लोग आखिर आपके पीछे क्यों हैं? ये बताइए कि आपसे आपके पिता की जान लेने वाले कोंगडोंग के ही लोग थे? मुझे उनका बदला लेना है। अभी आपने कहा जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन आपके पिता से मिलने दो अनजान लोग आए थे, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो लोग कौन थे? मुझे नहीं पता, पिताजी अकेले ही उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने सबको आने से मना कर दिया था। ये कौन कर सकता है? मार्शल आर्ट के प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली है और मार्शल आर्ट के 3 हीरो में से एक मारा जा चुका है जहर की वजह से। सिर्फ कोंगडोंग के गुरु ही अभी तक अछूते हैं। क्या ये उन्हीं का कारनामा है? मुझे तो पूरा शक है, क्योंकि कुंगफू और पावर के मामले में वो तीनों में सबसे नीचे है। बिना किसी बाहरी सहायता के वो ये काम नहीं कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है उसके पीछे? ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत शातिर है, जिसने इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में दबोच के रखा हुआ है। और ऐसे लोग सिर्फ राजमहल में होते हैं। मिस ज़ियान, क्या हो गया? दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि दवा का असर खत्म हो गया, थोड़ा धीरज रखिए। क्या तुम मुझे और दवाई दे सकते हो? नहीं, इस दवा से इंसान का दर्द जरूर कम होता है, लेकिन इस दवा को लेने के बाद अंदरूनी अंगों पर बुरा असर पड़ता है। आपको लगेगा कि आप ठीक हो गए हैं, लेकिन बस ये एक छलावा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, इस दवाई से इंसानी जीवन कम होता है। मैं थोड़ा और सह लूंगी। मिस ज़ियान, मेरे साथ आइए। कहां पर? पहाड़ी प्रदेश की तरफ। मैं वहां 9 सतरंगी कमल ढूंढने जा रहा हूं। जैसे ही महाराज लिंगी को ठीक करेंगे और कोंगडो के बदमाशों का पता लगा लेंगे, तुम अपने पिता का बदला ले पाओगी।
मुझे नहीं लगता वो दिन देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी। देखो मैं एक डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें बचा सकता हूं, ये मेरा वादा है। तुम वो दिन जरूर देखोगी, भरोसा करो। अब बहुत देर हो रही है, तुम कुछ आराम कर लो, कल का सफर लंबा होगा। चलो। मुझे एक और गाना गाना है, मिस लियो, इसे वापस रख दो। हाँ मुझे दीजिए। लीजिए। मास्टर लिंगफो, मैं बचपन में बांसुरी बजाती थी पर अब मैं शायद भूल गई हूँ। मिस लियो, तुम भी एक धुन बजाओ। जी ठीक है, लेकिन अब हंसना मत। हालांकि मैं तुम्हें कुंफू सिखा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें बांसुरी सिखा सकता हूँ, क्या सीखोगी? ठीक है तो मैं आपके लिए एक धुन बजाती हूँ, कोशिश करती हूँ। बांसुरी में तलवार छुपी है, वो दोनों तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन तुम्हें चाबी क्यों चाहिए, तुम तो बाहर ही हो। मिस लियो, मिस लियो। हाँ? महाराज और मैं सुनने के लिए तैयार हैं, तुम क्या सोच रही हो? मेरा पेट, पेट में बहुत दर्द है, किसी और दिन सुनाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ। अरे मिस लियो। चलती हूँ मैं। पता चल गया, पहाड़ की उस चोटी पे जाओ, वही पहाड़ी प्रदेश है। आइए 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 महाराज, क्या खाना पसंद करेंगे आज? तो सुनो, स्वादिष्ट खाना और सारी अच्छी मदिरा, सारी की सारी लेकर आओ। जी अभी लाया। शांत हो जाओ, सिर्फ देखो इन्हें। ये तो मशहूर महाराज टैंग है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम कौन हो? मैं वुशान का शिष्य हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, बड़े सम्मान की बात है कि मेरी मुलाकात आपसे हुई। सुन के अच्छा लगा। महाराज की काफी इज्जत है मार्शल आर्ट्स की दुनिया में, आप कहीं भी जाओ लोग आ ही जाते हैं आपको मिलने के लिए। सही कहा, सही कहा, मार्शल आर्ट के विजेता तो आप ही रहने वाले हैं। लिंग जिंग्यू जल्दी ही मारा जाएगा, अगर मैंगवी जिंदा भी है तो भी वो आपसे नीचे ही है, आप सबसे महान हैं। सही कह रहे हो। हिलना मत, ये बहुत सारे हैं। चलो निकले। चलो चलो। मैं जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन अभी बदले का सही वक्त नहीं है, तुम अभी भी घायल हो, अगर तुमने कोई भी लड़ाई की तो तुम ज्यादा परेशान हो जाओगी। आओ नीचे आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। मैं समझ गई, मुझे पानी दोगे? मुझे प्यास लगी है। मैं पानी लेके आता हूं, यहीं पर इंतजार करना, कहीं जाना मत तुम।
तुमने मेरी जो मदद की है उसका एहसान मैं नहीं चुका पाऊंगी। आज तुम सबको मेरे पिताजी जहां दफन है वहीं पर तुमको दफनाऊंगी। तुम्हें लगता है कि इस हालात में तुम ऐसा कर सकती हो? महाराज टैंग ने तुम्हें पहले ही ढूंढ लिया है, वहां हमने जो कुछ भी कहा वो सब तुम्हारे लिए था मिस ज़ियान। वैसे मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम मिल ही गई। बदमाश! मारो महाराज, ये लड़की भूत है, इसे मार रहे कुछ असर ही नहीं हो रहा। अगर वो इंसान है तो उसे भूत बनने दो, और अगर वो भूत है तो उसे नरक में भेज दो। मर जाती तो? अगर मैं अपने पिताजी का बदला ना ले सकी तो मेरे जीने का क्या मतलब? सुनो ध्यान से, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी इतनी बुरी हालत हो जाएगी। मैं इस तरह आगे नहीं जी सकता। मैं यहीं आपके साथ हूं, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काय जोंगजो इसकी दवाई लेने निकल चुका है, मैं किसी भी समय मर सकता हूं, क्या तुम कुल्लू इलाके की जिम्मेदारी ले सकोगे? महाराज मैं शिसेन का दिल साफ नहीं है, अगर कुल्लू क्षेत्र उसके हाथों में गया तो वो सब बर्बाद कर देगा। काहे तुम्हें अब बड़ा बनना होगा, काहे मुझे तुम पर विश्वास है, तुम्हें क्षेत्र के महाराज बनने के काबिल हो, समझ गए ना?
एक खबर लाया हूँ। सुनो तुम अंदर जाओ। क्या बात है? मिस लियू फीचिन अचानक बेहोश हो गई। क्या कहा? वो अब कहाँ है? वो अब तहखाने में है। तुम जाओ और देखो मिस लियू ने क्या खाया था। मैं जांच करता हूँ। जी हाँ मैं जाता हूँ। मिस लियू मैं आपकी सहायता करता हूँ। चलिए चलिए आराम से। ये क्या है? मैं नहीं बच सकती, मेरी मदद मत करो। आपके साथ क्या हुआ? ये क्या है? मुझे भी जहर दिया है। क्या कहा जहर? महाराज तुम और मैं हमने साथ में खाना खाया था। नहीं चाय और खाना नहीं, मुझे जहर लॉर्ड लिंगू की बांसुरी से मिला है। उसे बस हम दोनों ने छुआ था। बांसुरी के मुंह पर जहर लगा हुआ था जब मैंने उसे बचाया और सांस ली, और तब वो जहर मेरे शरीर में चला गया और उसका असर मुझ पे होने लगा। तो फिर जहर किसने लगाया होगा? जरा सोचो, जिसके पास इस तहखाने की चाबी रहती है। पता लग गया? हाँ, यान? तो आखिरकार तुम्हें पता लग ही गया। लेकिन जहर तो जा चुका है, तुम्हारे गुरु तो वापस नहीं आने वाले, और इस बात का अफसोस है, इसीलिए तुम्हें यहीं मरना होगा। अब नहीं बचोगे। तुम पे तो जहर का असर हुआ है ना? तो ये सब तुमने किया? बेवकूफ, तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया होता तो मैं तुम्हें कैसे फुसलाती? ये काय, इससे और बात मत करो। इसे आज मैं सबक सिखाऊंगी और लॉर्ड का बदला भी लूंगी। मिस लियू, यान, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसका कारण है गद्दी और मार्शल आर्ट का राजा बनना है। ये काय, मेरे रास्ते में आना तुम्हारी भूल थी। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिजान, आप ऐसा मत कहिए। हमें नव सतरंगी कमल ढूंढना होगा, तभी हम महाराज को बचा पाएंगे, टैंक को उसके मंसूबे में ना काम कर पाएंगे, और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो। कोई फायदा नहीं, ये तहखाना ठोस लोहे से बना हुआ है। यान शिशान, तुम कितने घटिया इंसान हो। महाराज मैं हूं। तुम यहां कैसे आए? अंदर किसने आने दिया? काय कहाँ है? ये काय अब नहीं रहा। क्या क्या किया उसके साथ? क्या किया? महाराज आपने ये काय को करीब रखा, पर मुझे नहीं। मैं भी तो आप ही का शिष्य हूं, आप ही ने मुझे सब कुछ सिखाया है। आप ही ने कहा था मुझे उत्तराधिकारी होना चाहिए, लेकिन अब आप अपनी सारी कही हुई बातों को भूल चुके हैं। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। मैं आपका 20 साल तक सेवक रह चुका हूं, लेकिन जो भी मैंने कहा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की और अब मुझे जाने को कह रहे हैं। मुझे जाने को कह रहे हैं आप?
महाराज, शक्ति को खत्म करने की भावना पूरी लगती है ना? तुमने कर दी? तुम जानवर हो। आपको लगता है मैं अपने गुरु और पूर्वजों को धोखा देना चाहता हूं? ये मैं जो भी कर रहा हूं, इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। इसकी शुरुआत आप ही ने की थी, आप ही इसके जिम्मेदार हैं गुरुजी। मुझे दोष मत दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं और महाराज अपने ही शिष्यों से मारे जाएंगे। ये एक मजाक है। नहीं 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 नहीं, महाराज मैं नहीं चाहता कि आप मरे। मैं चाहता हूं आप अपनी आंखों से देखें मुझे मार्शल आर्ट का महारथी बनते हुए और यहां का राजा बनते हुए। उसके लिए मुझे आपसे मदद चाहिए होगी, मुझे आपको कहीं छुपाना होगा। मातरमा, क्या हो गया है? पहाड़ियों में महारानी यूपिंग को बचाने जाओ। क्या हुआ, उठिए ना। महारानी, महारानी यूपिंग, महारानी, महारानी, ये सब आखिर किसने किया? वो सब कुंगदुन गुरुकुल से आए थे, वो सतरंगी कमल बर्बाद करना चाहते थे। और कमल के फूल का क्या हुआ? वो कमल लेना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने इनके शिष्यों को मार डाला, जिसकी वजह से सारे के सारे कमल अब राख बन चुके होंगे। एक और है, पहाड़ी की पिछली चट्टान पर ये फूल आध्यात्मिकता के साथ पैदा होते हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी की यांग ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन इसे प्रभावी होने के लिए एक युवा महिला के खून की जरूरत है, जो उसे कभी भी नष्ट होने ना दे। देखो, मुझे मिल गया। अब ये फूल हमारे महाराज को बचा लेगा। हमारी किस्मत वाकई में बहुत ही अच्छी है। ये क्या हो गया? इसका मतलब कि महाराज मरने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां एक और होगा, मैं ढूंढ के लाता हूं। Zenfew, क्या कर रही हो तुम? ये पता है तुमसे मर जाओगी।
ये करना जरूरी था क्या? ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। हाँ बिल्कुल, ये सब अच्छी चीज के लिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। कह दो दिल की बात, मैं बातें सुन रहा हूँ तुम्हारी। उस दिन मैंने चुपके से दवाइयां खा ली थी उन लोगों से बदला लेने के लिए। मुझे पता था मेरी जान खतरे में है। बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। अभी तक मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूं। ये क्या कह रही हो? मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। उस दिन मंदिर में तुमने कहा था तुम मेरी रक्षा करोगे। मैं उस वक्त तुमसे प्यार करने लग गई थी और तुम। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। तो अब मैं शांति से मर सकती हूं। कोई और क्या बोलेगा, इतने दिन हो गए यार। अरे यार मुझे कुछ नहीं पता। साथियों, महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकते। और अब इस सम्मेलन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। उन्होंने मुझे यहां भेजा है ताकि मैं यहां का कार्यभार संभाल सकूं। क्या हुआ है शिफू को, क्या वो गंभीर है? बताइए, हम जानना चाहते हैं। देखिए, लगता है महाराज ने इस बीमारी के बारे में हमसे छुपाया था क्योंकि वो जानते थे कि हमें इसके बारे में सुनके चिंता होगी। ये आप कैसे कह सकते हो? महाराज कब तक ठीक होंगे? ऐसे कैसे बोल रहे हो? अब मैं ही हूँ तुम लोगों का महाराज। किसी अच्छे वैद्य को क्यों नहीं बुलाते आप इलाज के लिए? जबान संभाल के बोलना। हम कैसे मानेंगे महाराज ने जगह ये देखो। क्या ये बांसुरी असली है? चोंगजू मेरी वजह से मारा गया। वो मरा नहीं है, वो नहीं मर सकता। वो हमें बचाने जरूर आएगा। आपका स्वागत है महाराज। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। आपका स्वागत है महाराज। क्या तुम कह रहे हो कि गुरु लिंगियो बीमार हैं और वो चुनाव प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं? आखिर उन्हें हुआ क्या है? उनके पैरों में बहुत सालों से तकलीफ है, इसीलिए वो बिस्तर से बाहर नहीं आ सकते।
कहाँ है वो अभी? महाराज ने कहा जब वो ठीक होंगे तो वो खुद आकर आपसे माफी मांगेंगे। कहाँ भेजा? देखिए महाराज, हमारे गुरु जी के साथ जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। कोई जरूरत नहीं, मैं बस उनके लिए दुआ करूंगा। ठीक है महाराज। चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कोई नहीं बैठेगा, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। जल्दी करो, आज दुनिया के सभी बड़े गुरुकुल आज इस जगह पे आने वाले हैं। जल्दी करो। समझ गया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की कीर्ति अमर रहे, महाराज की कीर्ति अमर रहे, महाराज की जय हो। सभी लोग बैठ जाइए। प्रिय मेहमानों, आज दुनिया के सभी बड़े गुरुकुल यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये कुनलुन के लिए गर्व की बात है। आप सब जानते होंगे कि हमारे महाराज इस अहम चुनाव की प्रतियोगिता में मौजूद नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। जिस भी दिन महाराज एकांत से वापस आएंगे वो आप सबको फिर से मिलने बुलाएंगे और आप सबके साथ दावत करेंगे। अब समय आ चुका है साथियों, मैं यान शिनशैन कुलुंग क्षेत्र के सभी योद्धाओं को चुनौती देता हूँ, कौन मुझसे आकर के लड़ना चाहता है। आज मेरी तरफ से आप सभी को एक खुली चुनौती है। महाराज टैंग, महाराज चैंग ने कहा है कि यैंग को ज्यादा देर मत करने दो। योद्धा यैंग, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, दिखाओ क्या कर सकते हो। स्वीकार है। यैंग, 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 क्या हुआ तुम्हें? ठीक बोल दो। यैंग, 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 उठो। उठ जाइए यैंग, उठ जाइए। अभी लेके चलो। तो मुझे बताओ
तुम में से कौन मेरे साथ युद्ध करना चाहेगा? हम चारों तुम्हारे साथ लड़ेंगे। महाराज लिंग्यू महाराज, तुम यहां अकेले? तुम यहां अकेली हो? वो कहां है? मैं जानती हूं कहां है। तुम चलो मेरे साथ, जल्दी आओ, चलो। वो कहाँ है? यही है। तुम सच कह रही हो? रुको, मैं ढूंढती हूँ। शुक्रिया। चुन, सब ठीक है ना? तुम ठीक तो हो ना? अब मैं आ गया हूं। महाराज लिंगू को होश कब आएगा? क्या वो कुंफू खेल पाएंगे? होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। मास्टर टैंग, इस बार मैं आना चाहूंगा। Oh!
बहुत अच्छे। आज से आप हैं मार्शल आर्ट के महान गुरु। सुनो, जाम लेकर आओ। आपका शुक्रिया महाराज। टैंग व्यू, ये क्या है? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? पकड़ो इसे, जाओ। रुक जाओ, सुनिए महाराज। महाराज टैंग वोलिंग, तुम तो बड़े शातिर निकले। तुमने जहन के परिवार के 20 लोगों को मारा, तुमने उस कमल को भी नष्ट कर दिया, और साथ ही साथ उस कमल की वजह से तुमने उस पहाड़ी क्षेत्र के सभी रक्षकों और महिलाओं को मार डाला। वैसे अगर तुम जीत भी जाते हो तो भी ये जीत बेमानी होगी। चोंगजियो, तुम निकल सकते हो। जो काम जिसका है उसे उसको ही करने दो। टैंग वो, अब तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो मेरी तलवार से मारे जाओगे। तो फिर देखते हैं कौन मरता है। चलो। बोलो, किसने भेजा है तुम्हें राजकुमार को मारने के लिए? जल्दी बताओ। तुम मुझे बताओगे या नहीं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं कैंगडाउन के शिष्यों को बुलाऊंगा यहां मरने के लिए। रुको, कोंगडोंग के शिष्य केवल कहना मानते हैं, उन्हें कुछ मत करना, क्योंकि यह सब एक महान इंसान को शोभा नहीं देता। ये चुनाव सच में खून और संघर्ष से मिलकर बना हुआ है। जैन फ्यून ने मुझसे पहले कहा था, जिस दिन वोलुंग महल तबाह किया गया वहां दो लोग जैन से मिलने आए थे, और उसने उन लोगों का जिक्र भी किया। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कारण जैन मैंगबाई से मिलने का? ये सोचने वाली बात है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जैंग से मिलने का? हो सकता है मार्शल आर्ट का सिकंदर इसका गलत इस्तेमाल करे राजकुमार की हत्या के लिए। तो ये बात है, उन्हें जैंग मेनबाई और टैंग वो में से किसी एक को चुनना है। उनको जैन और टैंग में से किसी एक को चुनना था, इसीलिए टैंग को सहारा देकर उसे मुखिया बनने को कहा। आखिर इसका मतलब क्या है? वो जैन को मनाने में भी असफल रहे। तो वो डरते थे जैन उन्हें धोखा देगा। सही कहा, वो सच में दुश्मन है। ये मामूली सी खबर है, गुरुलिंगु राजकुमार के अच्छे दोस्त है, उन्हें पता चलना चाहिए। गुरुलिंगु कभी धोखा देने की सोच भी नहीं सकते हैं राजकुमार को। साथ ही साथ रहस्यमय कमल पे काफी पहरा था, इसीलिए शैन शीशैन का इस्तेमाल किया उन लोगों ने। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। मुझे कौन तकलीफ दे रहा है? राजकुमार चैंग, महाराज ने अभी तक महल नहीं छोड़ा है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं उन्हें जाकर मार सकूं। नहीं। लेकिन क्यों? गुरु चोंगजियो अभी जिंदा है। उम्मीद नहीं दी लॉन्ग चिंगजियो इतना भाग्यशाली होगा। टैंग,
लापरवाह था इस बार। ये हमारी लापरवाही है कि हमने उसे कम समझा। चलो चलो। मुझे नहीं पता कि हम लोग दोबारा कब मिलेंगे। पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन आपसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं भी अगली बार, मैं पिछली बार से अच्छा कुंफू खेलूंगी। जल्द ही मिलते हैं, चलिए। शुक्रिया। चलो अब बेवकूफी मत करना। घोड़ा मैं चलाऊंगी। ठीक है ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम कहो।